दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे हीरोज रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत स्ट्रगल तो किया, लेकिन वो बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाए और आज वो एक फ्लॉप एक्टर के तौर पर ही जाने जाते हैं। पर दोस्तों, आज हम आपको इन फ्लॉप एक्टर्स के बारे में नहीं बल्कि इनकी खूबसूरत बेटियों से रूबरू करवाने वाले हैं। इनमें से कुछ की खूबसूरत बेटियों ने तो बॉलीवुड में डेब्यू भी कर लिया है, तो कुछ बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। चलिए जानते हैं बॉलीवुड के फ्लॉप हीरोज की इन खूबसूरत बेटियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे संजय कपूर की। राजा जैसी यादगार फिल्म देकर बॉलीवुड अभिनेता संजय कपूर का करियर फिल्मों में शुरू तो हुआ था। इसके बाद संजय कपूर ने कई फिल्मों में काम तो किया, लेकिन संजय कपूर वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाए जो एक हिट हीरो की कही जाती है। आपको बता दें कि संजय कपूर बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अनिल कपूर के भाई हैं। वहीं ये निर्माता बोनी कपूर के भाई भी हैं। संजय कपूर की बेटी का नाम शनाया कपूर है। शनाया कपूर जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। वहीं अगर चंकी पांडे की बात करें तो बॉलीवुड में बतौर हीरो अपने करियर की शुरुआत करने वाले चंकी पांडे को ज्यादा सफलता नहीं हासिल हो पाई और उनका हीरो करियर फ्लॉप रहा। फिल्मों में वो सपोर्टिंग रोल्स या छोटे मोटे विलन्स के रोल में ही नजर आया करते थे। आज के समय में चंकी पांडे छोटी मोटी भूमिकाएं ही निभाते हुए फिल्मों में नजर आते हैं। चंकी पांडे की बेटी का नाम है अनन्या पांडे, जो काफी खूबसूरत हैं, और उन्होंने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 से अपना डेब्यू भी कर लिया है। वहीं अब बात करते हैं जावेद जाफरी की। जावेद जाफरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी कॉमेडी और डांस के लिए काफी प्रसिद्ध रहे हैं। जावेद जाफरी ने सुभाष घई की फिल्म मेरी जंग से बॉलीवुड में कदम रखा था। अब तक जावेद जाफरी ने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इसके बावजूद वो बड़ी सफलता हासिल करने में नाकामयाब रहे। वर्तमान में वो फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाते हुए ही नजर आते हैं। जावेद जाफरी की बेटी का नाम अलाविया जाफरी है, जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं, और ये दिखने में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं, और इन्हें देखकर भी ये अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि ये भी जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर सकती हैं। वहीं अगर बात करें आदित्य पंचोली की, तो 1995 की फिल्म शहादत से बॉलीवुड में आदित्य पंचोली ने अपना कदम रखा था। अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत में तो आदित्य पंचोली को हीरो के रोल्स मिल भी जाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका फिल्मी करियर आगे बढ़ा, आदित्य पंचोली को ज्यादातर सपोर्टिंग रोल्स या नेगेटिव रोल्स में ही देखा जाता था। आदित्य पंचोली का एक बेटा सूरज पंचोली और बेटी सना पंचोली है। सना पंचोली फिलहाल तो फिल्मों से कोसों दूर है, लेकिन दिखने में ये भी बहुत खूबसूरत नजर आती है, और खबरें हैं कि ये भी जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर सकती हैं। वहीं अगर बात करें रोनित रॉय की, तो बॉलीवुड अभिनेता रोनित रॉय ने 90 के दशक में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। 1992 की फिल्म जान तेरे नाम से बतौर हीरो अपनी शुरुआत करने वाले रोनित रॉय का करियर फ्लॉप ही साबित हुआ है, लेकिन रोनित रॉय ने टेलीविजन में बहुत नाम कमाया है। वहीं अगर उनकी बेटी की बात करें तो उनकी बेटी का नाम है ओना रॉय, जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। दिखने में ये भी बहुत ही क्यूट और खूबसूरत नजर आती हैं, और इनके भी बॉलीवुड में जल्द ही डेब्यू करने की खबरें सुर्खियों में छाई हुई हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन से फ्लॉप एक्टर की बेटी सबसे खूबसूरत लगी, और इनमें से किस फ्लॉप स्टार की डॉटर का आप फिल्मों में डेब्यू देखने के लिए बेकरार हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।